एवरी चाइल्ड इज स्पेशल, ये कोरी बकवास है। तू कोई यूनिक पर्सनैलिटी नहीं है। ये प्रॉब्लम्स हर साल हजारों बच्चों के साथ होती है। कोटा में आईआईटी की तैयारी करने से पहले यहाँ रहने की तैयारी करनी है, और उसके सिंपल तरीके हैं। अगर प्रॉब्लम्स आ रही हो तो उन्हें ढूंढ दो, ढूंढ दे। देखा जाए तो आजकल लोग मूवीज के बाद वेब सीरीज ज्यादा देखी जाती है, और काफी सारे लोग वेब सीरीज देखना ज्यादा पसंद करते हैं। और आज की लाइफस्टाइल वीडियो में हम बात करेंगे जिन्होंने वेब सीरीज की दुनिया में अलग ही पहचान बना ली है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जितेंद्र कुमार की, जिन्हें आप चीतू भैया के नाम से जानते हैं। इनका रियल नेम है जितेंद्र कुमार और इनका निक नेम है जीतू, और इन्हें प्यार से लोग जीतू भैया भी बुलाते हैं। इनका जन्म 1 सितंबर 1990 राजस्थान इंडिया में हुआ था। इनकी एज 30 इयर्स है और इन्होंने इनकी ग्रेजुएशन आईआईटी खड़गपुर से की। जीतू भैया पेशे से एक्टर है। बात करें इनकी फैमिली की तो इनकी फैमिली में इनके माता पिता और इनकी दो बहनें हैं। एक बहन का नाम रीतू है और दूसरी बहन का नाम चित्रा है। जीतू को शुरू से ही मिमिक्री करने की आदत थी और वह अक्सर अमिताभ बच्चन और नाना पाटेकर की मिमिक्री किया करते थे। बचपन से ही जीतू पढ़ाई में बहुत ज्यादा अच्छे और मेहनती थे, और इसी जुनून को लेकर वह जा पहुंचे कोटा में, जहाँ पूरे देश में सबसे ज्यादा आईआईटी के लिए कोचिंग दी जाती है। यही की एक कोचिंग सेंटर में जीतू ने भी अपना एडमिशन ले लिया। बहुत मेहनत से पढ़ाई करी और आईआईटी का एग्जाम उन्होंने क्लियर कर लिया और आईआईटी खड़गपुर में एडमिशन ले लिया। आईआईटी आने के बाद जब जीतू से उनकी हॉबीज के बारे में पूछा गया तो उन्होंने बताया कि उन्हें मिमिक्री करना काफी ज्यादा पसंद है। ये सुनते ही उनके सीनियर्स ने उन्हें ड्रामा क्लब के बारे में बताया और कहा उन्हें वहाँ एक बार जरूर जाना चाहिए, और जीतू ड्रामा क्लब जहाँ पहुंचे। अब बात करें करियर की तो वह द वायरल फीवर के कॉमेडी स्केच में अपनी भूमिकाओं के लिए प्रसिद्ध है। वह अपने किरदारों जीतू भैया, मुन्ना जसपानी, जीतू और अर्जुन के लिए जाने जाते हैं। उन्हें कोटा फैक्ट्री में जीतू भैया, पंचायत अमेजन प्राइम वेब सीरीज में अभिषेक त्रिपाठी और आयुष्मान खुराना के साथ शुभ मंगल ज्यादा सावधान में अमन त्रिपाठी की भूमिका के लिए जाना जाता है। जीतू ने पहले भी कुछ ड्रामों में काम भी किया है, और उस समय कौन जानता था कि जीतू भैया आगे चलकर पूरे देश को हंसाने वाले हैं। जितना ज्यादा जीतू थिएटर और ड्रामे से जुड़ते जा रहे थे, उनका एक्टर बनने का सपना पूरा होने लगा था। थर्ड ईयर में विश्वपति सरकार ने जीतू को मुंबई बुलाया ताकि वो टीवीएफ के लिए एक वीडियो शूट कर सके, पर वह वीडियो कुछ प्रॉब्लम की वजह से नहीं शूट हो पाई। तो ये थी जीतू भैया की लाइफस्टाइल। अगर आप जीतू भैया के फैन हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।